सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। एज इन क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो देखो रीड करो, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन अ डायग्राम। एक डायग्राम भी दिया हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। अब आगे रीड करो, What is the actual length of a bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times? What would be its enlarged length? Okay. तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमको, एक बैक्टीरिया है जैसा कि हमको डायग्राम में दिया हुआ है जिसको हम एनलार्ज कर रहे हैं 50,000 टाइम्स, तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज कर रहे हैं तो उसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब एनलार्ज का मतलब क्या, तो देखो बच्चों अगर कोई चीज छोटी है और हम हमारे फोन में उसको जूम करते हैं तो हमें वो बड़ी दिखाई देती है। एनलार्ज का मतलब वही जूम करना, तो अगर हम बैक्टीरिया को एनलार्ज मतलब उसको जूम कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है 5 सेंटीमीटर की। तो देखो अगर उसका एनलार्ज हम 20,000 टाइम्स करेंगे तो उसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है। आ गई बात समझ में, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज किया तो लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर की, तो 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो लेंथ कितना सेंटीमीटर आएगा वो हमें बताना है। तो बहुत इजी है, इसको हम ले लेंगे x, इसको हम ले लेंगे y, लेंथ हमारी किस में सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लो सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा y2। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम फॉर्मूला पता है, x1 अपॉन y1 डेट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ गया। x1 क्या है 50,000, तो 50,000 अपॉन y1 क्या है 5 डेट इक्वल्स टू x2 20,000। Y2 नहीं पता, तो नहीं पता तो लिखेंगे Y2 का Y2, Y2 ही तो फाइंड करना है, बस अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा, तो 50,000 इंटू Y2। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 50,000 अपॉन 5 मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बीच में कौन सी साइन है, इक्वल्स टू की साइन। तो ध्यान से सुनो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम कट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो देखो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, 5 वन जा और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 वन जा, तो ये क्या आ गया आपका 10,000। ठीक है, अब देखो एक और एक शॉर्ट ट्रिक समझो, तो क्या आ गया आपका 10,000। अब देखो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 10,000 इंटू वाई टू डेट इक्वल्स टू 20,000। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ये 10,000 कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो चला जाएगा डिवीजन में। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और समझो अच्छे से, जब ये डिवीजन में जाएगा तो इससे डिवाइड होगा, तो क्यों ना हम इसको सामने सामने भी कट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 0 है तो 40, 1 2 3 4 0 तो ये भी 40 कट हो गई, तो Y2 की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट, दैट मींस अगर उसको हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये किस में मेरा सेंटीमीटर में, तो Y2 आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर। सो दिस वाज एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन केस स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6।